फ़ख्र है कि मुझे एक नेशनल एड्रेस के अंदर खान साहब ने इतनी अहमियत दी है। मगर फिर एक मौका भी मिल गया है कि उसका जवाब भी अब देना पड़ेगा, जाहिर है। वो जवाब बड़ा सिंपल सा है, मैं अदालतों की बातें नहीं करूँगा, इंसाफ की बातें सिर्फ करूँगा। मैंने खान साहब के ऊपर 7 साल पहले एक केस किया था, जब इन्होंने मेरे ऊपर 35 पंचर के इल्ज़ाम लगाए थे। उसके बाद ये अपने 35 पंचर इल्ज़ाम से मुकर गए। मैंने इन्हें आके कहा, अदालत में आए ना ज़रा, 7 साल हो गए मुझे इंसाफ नहीं मिला। खान साहब अभी 3 साल की अपनी बात कर रहे हैं, हुकूमत में हैं, हुकूमत में हैं, सारा पावर इनके पास है और इनकी पूरी कोशिश है किसी तरीके के साथ धक्का लगा के वो केस को चला के मेरे खिलाफ करवाया जाए। मगर मैं 7 साल से इंसाफ मांग रहा हूँ और मुझे 7 साल से इनके खिलाफ इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। तो मैं बड़ा सिंपल सी बात कहूँगा, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी शायद इसमें मेरी हामी भरे, उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर एक केस किया हुआ है, उनको भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है इसको क्यों कर लेते हैं। अच्छा। जिसने पहले केस किया उसको पहले इंसाफ मिल जाए, जिसने नंबर 2 पे किया उसको नंबर 2 पे मिल जाए, जिसने नंबर 3 पे किया उसको नंबर 3 पे मिल जाए। तो मैं चाहूँगा कि खान साहब की बात का वजन उठाने के लिए अदालतें तैयार हो जाएं, पहले मुझे इंसाफ दे दें जो मैंने केस किया हुआ है इनके ऊपर, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ दे दें जो इन्होंने इनके ऊपर किया हुआ है, फिर इनकी जब बारी आएगी तो हम इनको टक्कर लेंगे। अल्लाह खैर सल्लाह। YouTube पर Google TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।